हेलो फ्रेंड्स, रेशमा जी कैसे हैं? मैं आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं जा रही हूँ दिल्ली से पटना, जो मेरा होम टाउन है। रेशमा, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आइए पटना का सुबह और ये गरम गरम चाय। यस, आप लोगों की गेसिंग सही थी कि मैं पटना में हूँ, क्योंकि मैं अपनी बड़ी बहन और अम्मी को देखने आई, स्पेशली क्योंकि उन दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो माफ़ कीजिएगा कि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मैं अम्मी की सेवा में और बड़ी आपकी सेवा में थोड़ा मसरूफ़ थी, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूँ। उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी। और आफिया के स्कूल में ना स्केटिंग का वो डिमांड था, तो इसका किट्स आया है। जी आप क्या कर रही हैं? मैं आपके लिए पूरी और सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आपको पसंद है ना आपका? हाँ, मुझे पसंद तो है। तो आज आप लंच में यही ले जाएंगी, ठीक है? ओके। तो अब आफिया के मौलाना जी भी आ गए, जो रोज इवनिंग में टाइम है आफिया का उर्दू और अरबी पढ़ने के लिए। वहाँ पे ना मैं प्राइवेट व्हीकल का इंतजार करती हूँ, वो मुझे मार्केट जाना था और अभी तक आया नहीं था। क्या कर रही है? इवनिंग में ना शाम आफिया बहुत जिद कर रही थी, आंटी नीचे चलो गार्डन में, कैट आती है, मुझे कैट के साथ खेलना है। तो ये देखिए कितनी प्यारी कैट है, और हमारे गार्डन में बहुत सारे कैट और नेवला भी है, जो आफिया को देख देख के बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे बहुत सारे अमरूद हैं, केले हैं, ये सब के पेड़ लगे पड़े हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों से फ्रूट्स तोड़ना और खाना। तो मैं देख रही हूँ कि अमरूद थोड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं पेड़ में, लेकिन थोड़ा कच्चा है और पक्का अमरूद मिल नहीं रहा। तो आफिया से हेल्प ले रही हूँ मैं कि आफिया आ जाओ, दिखाओ मुझे कहाँ पे है। जब घर के अंदर गार्डन हो ना, तो अपने ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास भी गार्डन होगा आपके घर में, तो आपको पता होगा कि कितना मज़ा आता है नीचे घूमने में, स्पेशली इवनिंग के टाइम में। तो उस दिन हम लोगों ने शामिया आफिया के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और आफिया तो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर दी, आंटी ये तोड़ दो दो, वो पक्का अमरूद है, वो कच्चा अमरूद है। इनफैक्ट मुझे ना एक ही दो अमरूद पक्के मिले और कोई अमरूद पक्के नहीं थे। तो आफिया ने बोला, झूठ झूठ ही बोली थी आफिया, देखो आंटी यहाँ पे पक्का है। तो मुझे ना दौड़ा दौड़ा के परेशान ही कर दिया।
यहाँ पे ना मैं वेस्टेज पॉली बैग सरिया रही हूँ कि जब कुछ सूखा सामान आता है बाज़ार से तो बहुत सारे पॉली बैग आ जाते हैं और हमें यूज़ करना होता है उसे बाद में, तो मैं इसे ना अच्छे से सरिया के तह मार के एक जगह रख देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा करें, बहुत अच्छा रहेगा, काम के टाइम आपको अच्छे से पॉलीथीन मिल जाएगी, आप कहीं से भी कुछ खोजना चाहें तो प्रॉब्लम नहीं होगी।